आज ईसवी नववर्ष की पूर्व संध्या पर खादी इंडिया के सक्षम झांसी ने हौसलों को उड़ान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सक्षम जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र नारायण, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मिली भट्ट, डॉक्टर वंदना कुशवाहा, विद्यालय के प्राचार्य बुंदेलखंड टुडे न्यूज सह संपादक संतोष झा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए युवा सक्षम विभाग संयोजक तरुण जिजौरिया ने युवाओं से अपने मत का सदुपयोग करते हुए राष्ट्रहित में मतदान करने की अपील करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। जाते तो 16% पर व्यक्ति इस देश में शासन करता है, वर्तमान सरकार भी 31% वोट पर शासन कर रही है, तो ये कितनी गंभीर बात है। आज से कुछ समय पहले एक समय हुआ करता था कि जब अगर व्यक्ति भारत माता की जय का उद्घोष कर देता था तो उसके मुंह में लात घलती थी अंग्रेजों की, वो बोलते थे यू ब्लैक इंडियन। आज समय है जब भारत का प्रतिनिधि विदेशों में जाता है तो उसी देश की महारानी विक्टोरिया मंच पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के कहती है भारत माता की, भारत माता की। तो युवा वर्ग से यह भी निवेदन है कि जब भी मत का प्रयोग करें तो एक राष्ट्रवाद को सामने रखकर करें, एक राष्ट्रवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर करें कि आपको कैसा शासन चाहिए। वो शासन चाहिए कि जब भारत माता की जय के उद्घोष विदेशों में हो, या वो शासन चाहिए कि भारत माता की जय पर आप राष्ट्रद्रोही कहलाएं। आज के कार्यक्रम में मात्र एक फोन पर हमें समय दिया ऐसे हमारे अभिभावक मेरे गुरु परम आदरणीय श्री सुरेंद्र नारायण जी का मैं हृदय की अटल गहराइयों से पूरी युवा सक्षम टीम की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमें पूरा सहयोग व समय देने के लिए इस महाविद्यालय, इस विद्यालय परिवार का भी, इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य का भी मैं हृदय की अटल गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे रूप में वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय से एवं हमारे महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख परम आदरणीय डॉक्टर मिली भट्ट मैम जी का भी हृदय की अतल गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। कल चूंकि कार्यक्रम परसों बना और कल मैं बहुत निराश था क्योंकि कार्यक्रम पूरा नहीं हो पा, समझ नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करें। हमारे युवा साथी देवान जी बोले भैया जी ये काम करो, पोस्टपेंड कर दो कार्यक्रम, हम नहीं करेंगे। तब मैं अपने महाविद्यालय पहुंचा और जब वंदना मैम ने मेरी शक्ल देखी तो बोली क्या हुआ बेटा, हमने कहा मैम एक कार्यक्रम था अब वो कैंसिल होने की नौबत आई। मैम बोली चिंता क्यों कर रहा है, कार्यक्रम होगा और जैसी कल्पना की उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो एक बार हम अपनी चाहेंगे वंदना मैम के लिए जोरदार तालियां कि आज इन्हीं की। कार्यक्रम का संचालन रविकांत ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवांश, नगर प्रमुख युवा सक्षम हर्ष, वर्षा मिश्रा, यशवी खरे व शिवम सहित कई दिव्यांग मित्र उपस्थित रहे। संतोष झा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।